अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में कॉमिक्स वीडियो इंटरकॉम की इंस्टॉलेशन करेंगे, जिसके साथ एक नहीं दो डिस्प्ले हैं और साथ में एक डोर कैमरा है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करें टॉक टू यू प्रो यूट्यूब चैनल को, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों इंस्टॉलेशन करने से पहले टेम्परेली इसके कनेक्शन करेंगे, इसको चेक करेंगे, उसके बाद इसको प्रॉपर इंस्टॉल करेंगे। ये कॉमिक्स ब्रांड है, इसके साथ टू डिस्प्ले हैं और एक कैमरा है इसके साथ, और इसका मॉडल नंबर जो है वो देख सकते हैं, CDV-70K, ये इसका मॉडल नंबर है। ठीक है, तो इसको खोल लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इसको ओपन कर लेते हैं, इसमें ये यूज़र मैनुअल मिलेगा आपको। इसके बाद ये कनेक्टर हैं, और ये इंटरकॉम मॉनिटर है। दूसरे को भी ओपन कर लेते हैं, इसमें भी यही कनेक्टर है और ये इसमें मॉनिटर है। ये दोस्तों 220 पे चलेगा, ये देख लें। इसके साथ ये स्विच है और ये भी दोनों 220 हैं। ठीक है, तो इसके कनेक्शन में समझा दूं आप दोस्तों को। ये रिसीवर को अलग कर देते हैं इससे, ये इसकी ब्रैकेट है वॉल में लगाने के लिए, इसको भी निकाल लेते हैं। ये देख लें दोस्तों, इधर ये तीन कनेक्टर हैं इसमें। ठीक है, एक कैमरा वन का है, कैमरा टू का है, दो कैमरे ये सपोर्ट करता है, और ये इंटरफोन है छोटा, ऑडियो टेलीफोन इसको लगाने के लिए ये कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि दो सेट हों तो आप ऊपर वाले से बात करें, ऊपर रूम वाले या फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर, तो इधर इंटरफोन दोनों में लगेंगे, तो इसके ज़रिए आप बात कर सकते हैं। ठीक है, और ये दो ऑप्शन जो हैं ये कैमरे के हैं, ये कैमरे में जाएंगे। इसी तरह सेम इसमें भी यही है, सेम तीन कनेक्टर हैं इसमें, और यूज़र मैनुअल जो है ये देख लें इधर दोस्तों, ये सेम कनेक्टर हैं इधर, देखें 1, 2, 3। ठीक है, और ये जो है ये प्रोग्रामिंग का है, ये कैमरा वन, कैमरा टू, और ये इंटरफोन का है। ठीक है, हमने क्या करना है, इधर कनेक्टर लगाने हैं इसमें, फर्स्ट जो है कैमरा वन, क्यों हम एक ही कैमरा इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कनेक्टर खोल लेते हैं, इसको इधर लगा देंगे इसमें फर्स्ट में, ये इधर फर्स्ट में लगा दिया। इसकी भी ब्रैकेट निकाल लेते हैं, दूसरे में भी लगा देते हैं कनेक्टर, इसमें भी जो कैमरा वन है उसमें लगा देते हैं इधर। अब दोस्तों हमने ये दोनों चलाने हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कैसे कनेक्शन करने। ये कैमरा ओपन कर लेते हैं बॉक्स से, ये कैमरा है। ठीक है, और ये इसकी ब्रैकेट है वॉल ब्रैकेट लगाने के लिए, और इसके साथ भी इधर कनेक्टर दिए हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक ही मॉनिटर लगाना चाहें तो उसके लिए अलग तरीके कनेक्शन का,
उसके लिए जस्ट सिंपल ये कनेक्टर निकाल के इससे इधर कैमरे में लगा देना। देखें कैमरे में इधर ये कनेक्टर की जगह है, ठीक है। और ये दो वायरें जो हैं इसके बारे में मैं बताता हूँ। इस कनेक्टर को लगा देते हैं इधर, ये लग चुका है। अभी अगर हमने एक चलाना है इस पर, जस्ट सिंपली ये एक मॉनिटर का और ये कैमरे का ये आपस में जोड़ देने हैं, कलर के हिसाब से एक दूसरे के साथ इसके कनेक्शन कर देने हैं। और अगर आपने दो मॉनिटर इसके साथ लगाने हैं तो दूसरे मॉनिटर की वायर जो है वो भी ऐसे आपस में इनके साथ जोड़ देनी है, लेकिन कलर सेम आने चाहिए। रेड को रेड के साथ है, ब्लू को ब्लू के साथ, ऐसे इनको जोड़ देना है आपस में, ठीक है। ये इसके कनेक्शन का तरीका हो गया। ये जो दो वायरें हैं ब्लैक कलर की, ये दोस्तों डोर लॉक के लिए हैं। बहुत से दोस्त पूछते हैं कि किस तरह डोर लॉक काम करता है, ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसका, तो इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा आप दोस्तों को कि इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। ये दो वायरें जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स लॉक में, ठीक है। तो इसके जल्दी से कनेक्शन कर लेते हैं इसी तरीके से जैसे मैंने आप दोस्तों को बताया, और इसको चेक करते हैं। ये दोस्तों इस तरह अलग करके इसके कनेक्शन कर देने हैं, जिस तरह के कलर इसी तरह लगा देना है इसको। दोनों मॉनिटर हम चेक करेंगे तो ये तीन रेड वायरें जो हैं ये आपस में जोड़ देते हैं। ये तीनों जोड़ दी हैं। अब इसके बाद जो है ब्लू आपस में जोड़ लेते हैं तीनों। ब्लू के बाद येलो है, तीनों येलो आपस में जोड़ देते हैं। और फाइनली वाइट कलर की जो तीन वायरें हैं इनको भी आपस में जोड़ लेते हैं इसे। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अगर आपके पास चार मॉनिटर हैं, पांच हैं, तीन हैं, जैसे भी हैं, कनेक्शन का तरीका यही रहेगा। देखें, और इस मॉडल के लिए कोई ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं पड़ती, यह डायरेक्ट 220 पे चलता है जैसे मैंने आप दोस्तों को बताया। देखें पावर स्विच इसके साथ है। तो ये कनेक्शन करने के बाद इसको चेक कर लेते हैं। ये इसके कनेक्शन कर देते हैं रिसीवर के भी। इसको ऑन कर देते हैं। और दोस्तों इसके साथ इधर ये ऑन ऑफ का स्विच है, ये देख लें, इसको ऑन कर देते हैं। ये मॉनिटर ऑन हो चुका है। इधर इंडिकेशन लाइट भी देख सकते हैं। दूसरे को भी ऑन कर लेते हैं। ये भी ऑन हो चुका है, देख लें।
अब दोस्तों ये बटन जो है इसको पुश कर लेते हैं और चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ये देख लें, ये काम कर रहा है, आप इधर डिस्प्ले में देख सकते हैं ये दोनों मॉनिटर जो हैं वो काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल ओके है। अभी इसकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन करेंगे, इसी तरीके से कनेक्शन करने जैसे मैंने आप दोस्तों के साथ एक्सप्लेन किया है, बताया। तो इसको अभी लगा लेते हैं, ग्राउंड पे लगेगा और एक फर्स्ट फ्लोर पे लगेगा। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो चुकी है, अभी इसको चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देख लेते हैं इसको। हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? दोस्तों ये काम कर रहा है अच्छी तरह, ऊपर का भी जाके देख लेते हैं। दोस्तों अब ये भी चेक कर लेते हैं, हेलो कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है? ओके ठीक है दोस्तों, दोनों अच्छी तरह काम कर रहे हैं और ये इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो चुकी है सक्सेसफुली। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। मजीद जैसी वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको बरवक्त मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।